भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साथी नागरिकों से अपनी राष्ट्रीय पर अत्यधिक गर्व करने और देश की कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। दिल्ली की प्रगति मैदान से हर घर तिरंगा बाइक रैली की उद्घाटन पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों को संजोने और राष्ट्र को पहले रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। धनखड़ का संदेश कार्यक्रम में भाग लेने वाले उत्साही सदस्यों के बीच गूंज उठा। उन्होंने उनकी भावनाओं की सराहना की और देश के भीतर सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने में ऐसी पहलू की भूमिका पर जोर दिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति का आत्मविश्वास चमक उठा, क्योंकि उन्होंने 2047 तक भारत की वैश्विक मंच की शिखर पर पहुंचने का अनुमान लगाया, जब राष्ट्र अपने आज़ादी की 100वें साल पूरा करेगा। उन्होंने सभी भारतीयों को अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने और भारत की ऐतिहासिक यात्रा के लिए दुनिया की प्रशंसा को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया। धनखड़ ने इस अवसर पर भारत की स्वतंत्र सेनाओं के बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने प्रत्येक भारतीय से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि राष्ट्रीय की गौरव का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा रहे। भारत के लाल ने, ये तिरंगा के संदर्भ में है, भारत के लाल ने जब ऊपर इसे उठाया, मतलब भारत के लाल ने जब तिरंगा ऊपर उठाया, आजादी का संदेशा कुल मुल्क को सुनाया, जय जय का शोर इसके चारों तरफ से आया, हर एक के दिल में यही समाया, झंडा नहीं झुकेगा, झंडा नहीं झुकेगा।